बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सराउंडिंग में इस वक्त गैर मामूली सूरतेहाल बहुत खामोशी से डेवलप होती हुई देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं ना, उनको पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में मामलात आगे बढ़ रहे हैं और क्या होने वाला है। आज तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन आया जिसके ऊपर इब्तदाई रद्दमल पीटीआई के वकला का थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन जैसे ही तहरीरी ऑर्डर जारी हुआ उसके बाद वो रद्दमल थोड़ा बदलना शुरू हुआ। और अब जब वो तहरीरी ऑर्डर की मुख्तलिफ शिकें पड़ी गई हैं, समझी गई हैं, तो उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। मैंने इसीलिए पहले के व्लॉग में आपसे कहा था कि ना तो इस फैसले को बहुत ओवर सेलिब्रेट करना है, बिकॉज़ जब तक तहरीरी ऑर्डर पूरा पढ़ ना लिया जाए चीज़ों का ज़रा इदराक थोड़ा कम रहता है। इसीलिए जब जब पीटीआई के वकला ने, अभी सिर्फ उन्हें वर्बल ऑर्डर का पता चला था कि हाई कोर्ट से बस ये डिसीजन आया, तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, मुबारकबाद दी, बल्कि इमरान खान साहब को भी फ़ोन करके बताया कि भाई ये डिसीजन आ गया है। लेकिन जैसे ही तहरीरी ऑर्डर आया है तो उसके बाद जो पीटीआई के वकला हैं उनका डिफरेंट सिनेरियो सामने आ रहा है। और इसके साथ ही इस्लामाबाद में बदल रही है तेज़ी से सूरत हाल। कल का दिन जो है वो किस तरह से अहम हो सकता है। एक तो छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन मुल्की तारीख में पहली मर्तबा नैब ने अपना दफ्तर खोल दिया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन मुख्तलिफ अहम डेवलपमेंट्स कल के रोज़ होने वाली हैं। इसके बावजूद भी कि छुट्टी है, तो जो मुकामी रिपोर्टर्स हैं जो इन अदालतों को बहुत करीब से कवर कर रहे हैं और एक एक चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है, वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और क्या डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ एक के ट्वीट्स आप लोगों के लिए निकाले ताकि एग्जैक्ट सिचुएशन आप समझ लें। और अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खिताब भी कर दिया और आप लोगों को बता दिया, बल्कि इजहार अदम एतमाद कर दिया है आज के फैसले पर भी। और उनको भी ये लगता है कि जो प्ली उनकी थी एक्चुअली इस केस को ट्रांसफ़र करने के हवाले से, वो नहीं मानी गई और वापस उसी जज के पास केस रेफ़र कर दिया गया जिसके बारे में वो कहते हैं कि उनका तासुब उनके लिए वाज़े है। तो इमरान खान को अब कोई उम्मीद नहीं है कि आज के फैसले के बाद भी उन्हें इंसाफ मिलेगा, और वो ये समझ रहे हैं कि कल शायद उनकी नाहली के हवाले से कोई फ़ैसला आ जाए। अब इस्लामाबाद में क्या चल रहा है वो ज़रा से एक लम्हे के लिए आप ये चीज़ें देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। एक ही दिन में, कल हफ्ते का रोज़ है, छुट्टी है, नैब की जो बिल्डिंग है वो खुल जाएगी क्योंकि नैब ने इमरान खान साहब को तलबी का नोटिस जारी किया हुआ है। फिर जेआईटी में भी इमरान खान ने मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए पेश होना है, उनको भी बुला लिया गया है कल के रोज़ ही। और कल के दिन ही जज दिलावर साहब की अदालत जो है वो भी खुली होगी इमरान खान साहब के ट्रायल को तेज़ी से मंतकी अंजाम की तरफ ले जाने के लिए। आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला वो इस तरह से तकनीकी बुनियादों पर दिया गया है कि जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने इब्तदाई रद्दमल के बाद जब इस फैसले को पढ़ा तो उन्होंने इंग्लिश में जो लाइन लिखी इस फैसले को देखते हुए वो ये कहा कि हमें फिर से धोखा दिया गया है, ये रिमांड बैक नहीं है। यानी जिस तरह से समझा जा रहा था कि शायद इस केस को रिमांड बैक कर दिया गया है, अब उन्हें समझ आई है कि ये उस तरह से केस नहीं है। इस हवाले से जो तीन सहाफ़ी हैं उनकी ज़रा आप ये डॉट कनेक्ट करने वाली ट्वीट्स को ज़रा एक लम्हे के लिए देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आमिर सईद अब्बासी सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बहुत ही मंझे हुए रिपोर्टर हैं। उनका ये कहना है कि तारीख में पहली बार नैब का छुट्टी के रोज़ दफ्तर खोल कर इमरान खान को तलब करने का फैसला, नोटिस जारी कर दिया गया है, नैब ने तलब कर लिया, ये भी कल होने जा रहा है। फिर उन्होंने अगली ट्वीट में लिखा कि हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में हाथ पांव बांध कर, यानी इमरान खान साहब के हाथ पांव बांध कर जज दिलावर साहब के सामने पेश कर दिया है। एक तरह से आज के फैसले को अगर वो निचोड़ में अगर देखें तो हाथ पाँव इस तरह से बांधे गए हैं कि अदालत ने कह दिया है पीटीआई के वकला को कि कल ही आप दिलावर साहब की अदालत में पेश हों और जो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं उसे मुकम्मल कर लिया जाए। अच्छा, अब साकिब बशीर साहब हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, आपने अक्सर टेलीविज़न पर देखा होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी रहे, बिल्कुल गैर जानिबदार न्यूट्रल किस्म के और बहुत ही अच्छे साफ़ी हैं। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि 9 अगस्त से पहले वक्त कम है और मुकाबला सख्त, अगर जज साहब चाहें तो कल ही फैसला दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस किस्म का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है,
दिलावर साहब के ऊपर कोई बार नहीं है, कोई कदगर नहीं है, वो कल कोई भी फैसला महफूज करके सुना सकते हैं, उन्हें रोका नहीं गया। तीसरे रिपोर्टर जो मेरे फेवरेट भी हैं, सुहेल रशीद साहब, उनका ये कहना है कि गैर मामूली सूरत हाल है। इमरान खान को नैब ने भी तलब किया, जेआईटी ने भी तलब कर लिया है और दिलावर साहब की अदालत में भी कल समाप्त होने जा रही है। तो इन तीनों अदालतों में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि कल का जो दिन है यानी सैटरडे, वो डी डे भी हो सकता है, कल गैर मामूली सूरत्याल रहेगी वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में। अच्छा, जो एजाज सैयद साहब हैं वो आप उनकी थोड़ी बहुत जो एक एफिलिएशन है या जो उनका थोड़ा झुकाव जिस तरफ भी है उसको एक लम्हे के लिए साइड पर रखते हुए, जारी बात है सोर्सफुल रिपोर्टर हैं, उन हलकों में ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हैं जहां से खबरें वगैरह मिलती हैं, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि जी का जाना ठहर रहा है, आज गया या कल गया, दैट मींस कि कल जो होने वाला है वो बहुत अलार्मिंग हो सकता है। इमरान खान साहब ने भी अब से कुछ देर पहले खिताब किया और उन्होंने इसी बारे में सारी बातें किया कि जो उनकी मेन प्ली थी कि जिस जज के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, उसी जज के पास उनका केस, जिस जज से वो केस वापस ले जाना चाहते हैं उसी केस, उसी जज के पास उनका केस दिया गया कि जनाब काबिले समात है या नहीं, इसका फ़ैसला भी वही करें। दैट मीन्स कि वो तो एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं या इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो भी उनकी स्पीड को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का डिसीजन आ सकता है, किस किस्म का आने वाला है। तो कल रात इस वक्त या शाम के इस पहर तक हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके होंगे, जो अभी आपको नज़र आ रहा है उससे बहुत मुख्तलिफ होंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि हफ्ता और इतवार सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी भी होगी, इमरान खान साहब या उनके वकला सुप्रीम कोर्ट से भी रजू नहीं कर सकेंगे। वो जो हंगामी बुनियादों पर कर रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट उन्हें किसी तरह से रिलीफ दे, वहाँ से उन्हें रिलीफ इसलिए नहीं मिल सका था कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ लेने दे। अब डिसीजन आ गया, आगे हफ्ता इतवार छुट्टी है, दैट मीन्स के दिलावर साहब कल आर्गूमेंट्स के लिए बुलाएंगे, कल ही वो फैसला करेंगे कि ये केस काबिले समात है या नहीं, कल ही वो ये भी फैसला कर देंगे जनाब चूँकि सारे आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो चुके हैं तो इसलिए दिस 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 इज़ द डिसीजन। तो जो इतना ज़्यादा एक सोच रहे थे कि वक्त मिल गया है इमरान खान साहब को या ये केस अभी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो थोड़े से अंदाजे अब गलत हो रहे हैं। लग इसलिए भी रहा था क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हफ्ते के बाद तक के लिए नोटिस जारी किया है गवाहों को, जो तलब ना करने का दिलावर साहब का फ़ैसला था या हक से महरूम कर दिया गया था इमरान खान साहब को, उसको भी चैलेंज किया गया था ना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हफ़्ते बाद के लिए उसका नोटिस जारी किया था। तो ये कैसे हो सकता है कि गवाहों को तलब किए बगैर दिलावर साहब अपना कोई फ़ाइनल डिसीज़न अनाउंस कर दें? तो एक चीज़ पेंडिंग है, उसका फ़ैसला नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ ये फ़ैसला कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोका नहीं है, कोई ट्रायल को सस्पेंड नहीं किया, मुअत्तल नहीं किया, इसलिए अब जो उनके वकला हैं उनमें उस कैम्प में परेशानी थोड़ी बढ़ रही है, बेचैनी थोड़ी बढ़ रही है। और कल जिस तरह से मुख्तलिफ मुकदमात में एक ही रोज़ इमरान खान को बुलाया गया है, पेश होने के लिए कहा गया, इधर से कोई डिसीजन आए, उधर से इमरान खान साहब पेश हों, और उसके बाद क्या सरकमस्टांसेस बनेंगे आप बेहतर समझ सकते हैं। तो कल का दिन थोड़ा टफ होने वाला है, इसके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे। शहरयार आफरीदी के हवाले से थोड़ी सी बात के उनको गालबन 11वीं मरतबा फिर से गिरफ़्तार किया गया, वकला ने बड़ी कोशिश की कि इनकी गिरफ़्तारी ना हो सके और अपने हिसार में किसी तरह से इनको ले जा के, चूँकि अदालती ऑर्डर है कि रिहा कर दिया जाए तो उनको रिहाई मिल सके, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका। दूसरी तरफ हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, 9 अगस्त को असम्बली तहलील होनी ही होनी है, आज इत्तफाक भी हो गया, इत्तेहादियों में ऐलान भी कर दिया गया, मुत्तफिक का डिसीजन भी हो गया, तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास तो गालबन 5 दिन का वक्त बाकी रह गया। तो इन 5 दिनों में और क्या हुकूमत करना चाहती है? इमरान खान साहब ने जाते जाते हुकूमत को, पीडीएम को, प्लस जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने खिताब में पैगाम भेजा है कि मुल्क का सोचें, मुल्क की बेहतरी का सोचें, और मुल्क की बेहतरी सिर्फ आम इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात में है, शफाफ इंतखाबात के ज़रिए आगे बढ़ने में। इमरान खान साहब सबके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं। इस क्रूशल मौके पर भी उन्होंने ये मैसेज अब से थोड़ी देर पहले जारी किया कि मैं पीडीएम के लोगों से भी कहता हूँ, फैसला साजों से भी कहता हूँ कि पाकिस्तान का सोचें, मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर फैसला करेंगे तो आगे चल सकेंगे। अपनी तरह से वो एक कदम पीछे, बल्कि 2 कदम पीछे हटे हैं, जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, अब वो बात करने की उस पोजीशन में हैं। जारी बात है इस टाइम उनको भी यही सूट करता है कि बातचीत से मामलात को वो हल करें, लेकिन उनकी ये
पेशकश जो है वो हर बार की तरह शायद अन अटेंडेंट चली जाएगी और कोई इसको रिस्पॉन्ड इस वक्त नहीं कर रहा। लेट्स सी आगे क्या होता है। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीरे आज़म के हवाले से मुख्तलिफ नामों के ऊपर इस वक्त गौर जारी है। कई नाम जो है वो इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी है, असलम भुतानी का नाम भी, फिर फवाद हसन फवाद भी शामिल हैं, हफीज़ शेख और इशरतुल अबाद, ये कोई चार पाँच नाम हैं जिनको इस वक्त मीडिया मार्केट में सर्कुलेट किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है, क्या डिसीजन आता है। अल्लाह करे जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, लेकिन कल का दिन जो है वो थोड़ा टफ लग रहा है, कल और परसों का। तो देखते हैं क्या होगा, आपको अपडेट रखेंगे। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।